नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हरिद्वार में कुंभ कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनकी जुबान एक बार फिर से फिसल गई है। उन्होंने कह दिया है कि बनारस में भी कुंभ आयोजित किया जाता है। तीरथ सिंह रावत हरिद्वार में कुंभ होने की बात कहते कहते यह भी बोल गए कि कुंभ बनारस में भी होता है और उज्जैन में भी होता है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जब से राज्य के मुखिया की कुर्सी संभाली है, तब से वह चर्चाओं में बने हुए हैं। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कुंभ के बारे में गलत जानकारी बोल रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री रावत कुंभ क्षेत्र में सिंचाई, गृह विभाग, परिवहन निगम समेत कई योजनाओं के कुल 31 कार्यों का लोकार्पण करने के लिए हरिद्वार आए थे। यहां वह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसल गई। तीरथ रावत ने जोर देते हुए कहा, मैंने जैसे कहा कि महाकुंभ 12 साल में आता है, हर साल नहीं आता है। मेले जगह जगह होते हैं, कहीं भी हो जाते हैं। लेकिन कुंभ हरिद्वार में ही होता है, 12 साल में होता है, बनारस में होता है, उज्जैन में होता है, इसलिए यह भव्य दिव्य होना चाहिए। बता दें कि सही मायने में कुंभ हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में होता है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का विवादित बयानों से मानो करीबी का नाता होता जा रहा है। तीरथ सिंह रावत का जींस पर दिया बयान बेहद चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं फटी जींस पहनती हैं। जिससे कहीं ना कहीं संस्कृति खतरे में पड़ रही है। उन्होंने अपने इसी बयान का जिक्र करते हुए अपनी हवाई यात्रा की एक घटना सुनाई थी, जिस पर पूरे देश में उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा था। देश में कोरोना का संक्रमण पूरी तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 630 लोगों की जान भी चली गई है। एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पूरी तेजी से चल रहा है, तो वहीं संक्रमण के मामले उससे भी तेजी से सामने आ रहे हैं। वहीं कई राज्य अब कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का सहारा लेने पर मजबूर है। तो आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारत में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 1,15,239 नए केस सामने आए हैं, जबकि 630 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्यों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 55,469 नए केस मिले, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां रिकॉर्ड 9,921 मामले सामने आए हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को देश भर में पहली बार रिकॉर्ड 1,03,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। पिछले 2 दिनों में नए संक्रमितों का आंकड़ा 1,00,000 के नीचे नहीं रहा। इधर बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए दिल्ली एम्स ने 8 अप्रैल से ओपीडी स्थायी रूप से बंद कर दी है, यानी मरीज अब सीधे चेकअप के लिए नहीं पहुंच सकेंगे।
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि अभी सबके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू नहीं किया जाएगा। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि कई लोग पूछते हैं कि सभी के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे वैक्सीनेशन कैंपेन के दो लक्ष्य होते हैं, पहला बीमारी से होने वाली मौतों को रोकना और दूसरा हेल्थ सिस्टम को बचाए रखना। लक्ष्य ये नहीं है कि जो खरीद सकते हैं उन्हें पहले टीका लगा दिया जाए, बल्कि ये है कि पहले टीका उन्हें लगाया जाए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल करने की मांग की है। महाराष्ट्र में जो केसेस आते हैं वो पूरे देश का 58% है, 58% of all active cases of the country are in Maharashtra as we talk to you today. अगर average daily deaths को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 32 मृत्यु कोविड से महाराष्ट्र में होती थी, ये बढ़कर अब पिछले सप्ताह 250 मृत्यु प्रतिदिन हो गई हैं। मृत्यु के मामले में जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं उस समय देश की कुल मृत्यु के 34% महाराष्ट्र में होते हैं, तो ये चिंता की बात है। 58% सभी केसेस का एक राज्य में होना और 34% सभी मृत्यु का एक राज्य में होना ये चिंता को बढ़ाता है। पिछले सप्ताह में राज्य में जो कुल टेस्ट किए गए उनके केवल 60% टेस्ट RT-PCR थे। हमारा परामर्श राज्यों को रहता है कि इसको 70% या उससे अधिक तक ले जाया जाए, क्योंकि ये बेहतर कैप्चर करता है राज्य की पॉजिटिविटी को। हाल में हमने महाराष्ट्र को ये परामर्श दिया है कि जो कठिन इलाके हैं, जो जियोग्राफिकली डिफ़िकल्ट टेरेन है, वहाँ वो मोबाइल टेस्टिंग लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्य में ICMR महाराष्ट्र शासन की मदद कर रहा है। देश में कोरोना का बढ़ता ग्राफ डरा रहा है। रोजाना होने वाले संक्रमितों की 7 मौतों का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 4 अप्रैल को 1,00,000 से ज्यादा नए केस आने के बाद सोमवार को करीब 97,000 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दौरान 400 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। पिछले महीने एक हफ्ते में हुई औसतन मौतों की बात करें तो मार्च के पहले हफ्ते में यह आंकड़ा 97 का था, जबकि अप्रैल के पहले हफ्ते में आंकड़ा 490 तक पहुंच गया, यानी एक हफ्ते में होने वाली औसतन मौतों में 5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश भर में मंगलवार रात 8 बजे तक कुल 8,40,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी गई। इनमें 89,60,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज और 53,77,000 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 97,30,000 ने पहली डोज और 42,68,000 ने दूसरी डोज ली है। 45 से 59 साल के बीच 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज और 3,96,000 से ज्यादा लोगों को सेकेंड डोज दी जा चुकी है। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों में 3,44,00,000 को पहली खुराक और 8,61,000 को दूसरी खुराक दी गई। इस तरह अब तक के वैक्सीनेशन में 7,31,61,269 लोगों को पहली डोज और 1,09,04,088 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगना शुरू हुआ था, जिसके बाद इसमें तेजी आई है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया। यहां की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इस दौरान दिल्ली में किसी भी तरह की गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। इसके साथ ही आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से
जुड़े लोगों को राहत दी जाएगी। दिल्ली में बीते चार दिनों से 3500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 5.5% से ऊपर पहुंच गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है। बता दें, देश में अब तक करीब 1,27,00,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,17,00,000 ठीक हुए हैं और 1,65,000 ने जान गंवाई है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में हम हर रोज गांव की हकीकत से आपको रूबरू करवाते हैं, गांव के विकास के जो वादे में कमियां छुपी हैं उन्हें भी उजागर करते हैं। हमारे संवाददाता गांव-गांव जाकर हर ग्राम पंचायत की कवरेज कर रहे हैं ताकि जिस विकास से ग्रामीण दूर हैं उन्हें वो विकास मिल सके। इसी कवरेज के दौरान हमारे संवाददाता सोनभद्र जनपद के ग्राम सभा सिंदूर पहुंचे तो गांव की हालत देखकर दंग रह गए। गांव के विकास के वादे भले ही सरकार चाहे कितने भी कर ले, पर असल में गांव में विकास हो रहा है या सिर्फ विकास के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है, इसका जायजा लेने हम यूपी के हर गांव पहुंच रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या है सोनभद्र के गांव के हालात हमारी इस रिपोर्ट में। चुनाव जब भी आते हैं तब वादों के सुर नेताओं के द्वारा अलापे जाते हैं, घर घर जाकर योजनाओं को गिनाया जाता है और भोली भाली जनता को विकास के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। वहीं जब हमारी टीम ने रुख किया सोनभद्र के ग्राम सभा सिंदूर का तो हमें विकास के अधूरे और झूठे वादों का झुंझुना बजाते नजर आए। ये टूटी सड़कें, ये अधूरे शौचालय और ये टूटे मकान उन वादों पर तमाचा मार रहे हैं जिनके बल पर देश की सरकार चल रही है। पीएम मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना यानी स्वच्छ भारत अभियान का इस ग्राम सभा में मजाक बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा योजनाएं तो तमाम चलाई जाती हैं, लेकिन ये योजनाएं पात्रों तक नहीं पहुंच पाती। पात्रों तक पहुंचते पहुंचते इन योजनाओं का दम घुट जाता है और ये सिस्टम की भेंट चढ़ जाती है। यहाँ विकास के नाम पर ग्रामीणों से ठगी हुई है, जिसे शब्दों में बयां करना भी आसान नहीं होगा। वैसे तो हमें सोनभद्र के ज्यादातर गांव में विकास के नाम पर खाना पूर्ति ही देखने को मिली। वहीं जब हमारी टीम ने इस गांव में विकास कार्यों का जायजा लिया तो इस गांव की तस्वीरें सरकार की उन तमाम योजनाओं पर पलीता लगाती नजर आई। इस गांव का विकास सिर्फ कागजों में ही नजर आया, वहां जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती दिखी, जिसकी तमाम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। हाथ जोड़कर आवाज की मांग करता यह आदमी प्रशासनिक अमले में फैले भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। तस्वीरों में दिख रहे यह आदमी सरकारी आवास योजना के पात्र हैं, पर इस गरीब के हक पर जिम्मेदारों ने डांका डाल दिया। वहीं कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जिन्हें अपनी जिंदगी के 100 साल भी पार कर चुके हैं, लेकिन आज तक न उनको शौचालय मिला न ही आवास, और वे आज भी टूटे फूटे घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। जहां एक ओर सरकार की तरफ से सरकारी आवास योजना के नाम पर तमाम कसीदे पढ़े जाते हैं, वहीं जमीनी हकीकत पर उतर कर देखें तो हकीकत कुछ और ही दिखती है। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी लोग अच्छी सड़कों के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव में सड़कों की हालत क्या है। वहीं एक तरफ प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कई तरीके की योजनाएं प्रारंभ की, वहीं दूसरी तरफ ग्राम सभा में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां दिव्यांग होने के बाद भी व्यक्ति को ना तो शौचालय मिला ना ही आवास। आज भी इस गांव के लोग शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। साथ ही जिनको मिला भी है तो महज दीवारों को खड़ा करके नंबरिंग करके भुगतान ले लिया गया है। वहीं हजारों की आबादी में कुछ ही हैंडपंप मिले हैं, जिसमें ज्यादातर तो बिगड़े हुए हैं। पानी के लिए भी ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो चलिए गांव के विकास की कहानी सुनिए इन ग्रामीणों की ही जुबानी। पंप है ये कितने दिन से गड़बड़ है?
अरे यार साल भर से गायब हो गए, गड़बड़ है। साल दो साल हो गया ना। लेकिन प्रधान के द्वारा कोई मरम्मत नहीं की गई। प्रधान क्या कहता है? प्रधान से मैं एक बार नहीं 10 बार कहा, सदस्य भी यहाँ था उसको बाद 10 बार कहा मैं जी जी कि कम से बना दीजिए, कम से पीने पाने तो बोलता है उनको तो किया जा। जी जी। के लिए तो पानी हो जाए, नहाने धोने के लिए बुढ़ा है उसको तो नहाने धोने जाने कितना दो को पानी जी। मतलब आप लोग ये पोजीशन है कि मतलब प्रधान के द्वारा कोई व्यवस्था मिली नहीं? कोई व्यवस्था। प्रधान कौन है आपके? श्यामलाल। गरीब को साथ थोड़े दे रहा हूँ। जी जी जी। मकान बड़ा बनवा रहा है? मकान सब वही करवा रहा है। सब वही करवा रहा है। देखिए मैं एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ जा रहा हूँ, ये ग्राम सभा सिंधु धरती डाड़ा है, जो आज भी विकलांग है, सोए है, लेकिन इसके बावजूद या तक ग्राम प्रधान के द्वारा कोई व्यवस्था न शौचालय तक की नहीं दी गई। मन के घर में जाके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये देखिए किस तरह से ग्राम प्रधानों ने जनता आम जनता को लूटा। आपका नाम क्या है? छोटक। छोटक। उम्र क्या हो गई आपकी? अरे उम्र तो ढेर हो गया अब जी, नहीं पहले को महिला ठाकुर है। नहीं मतलब कितना हो गया लगभग उम्र? 100 साल से ऊपर? 100 से ऊपर डाके है। 120। 120 हो गए आप? ऐसे बता। अच्छा ये बताया आप 120 हो गए लेकिन आपको शौचालय तक की व्यवस्था है ना मिली? शौचालय मतलब आपको मिला? नहीं मिला। लाइटिंग कर। आपका नाम? हमारा नाम कल्पनाथ सिंह। अच्छा रहने वाले कहाँ के हैं? धरती डाण के हैं। ये बताइए जी, आप इसी दुकान से जी अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं? हाँ मैं इसी दुकान से सर व्यतीत करता हूँ, वन विभाग में अभी नौकरी। हमको सुनने में आया है कि आपका लड़का मतलब अच्छा मेहरपुर ब्लॉक में जैसे कि टॉप किया। हाँ जी सर, मेरा लड़का मेहरपुर ब्लॉक में टॉप किया। तो ये बताइए जी कि जब टॉप करने के बावजूद भी जी आपके ग्राम प्रधान के द्वारा आपके बच्चे को या आपको कहीं से कुछ सहायता मिली? हमारे यहाँ के प्रधान से कोई सहायता नहीं मिला। शौचालय आवास कुछ कोई भी? कुछ भी नहीं। आखिर क्यों नहीं मिला इसका कुछ? हम, आप गए प्रधान के यहाँ? प्रधान के यहाँ हम तो एक दो बार गए लेकिन मतलब वो हमारे यहाँ के प्रधान 10 साल यहाँ के प्रधान रहे। जी जी। लेकिन 5 साल पहले गए तो कुछ जी जी। कुछ आज तक वो किए ही नहीं, तो हम सोचे दोबारा पंचवर्षीय में क्या करेंगे। मतलब प्रधान मतलब कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं। अपने मन का राजा है? अपने मन का राजा। उसकी बिल्डिंग में सुनने, उसकी सुनने में आई कि प्रधान आपका कौन है? हमारे यहाँ का प्रधान श्यामलाल है। श्यामलाल जी। शायद हमको ये सुनने में आया कि श्यामलाल की बिल्डिंग जेसीबी वगैरह की कुछ है, क्या बात? हाँ उनके पास इस समय जब से प्रधान बने, जब से पहले तो वो अपना खड़िया उड़िया का धंधा करते थे, जब से प्रधान बने 3-4 ट्रैक्टर खरीदे, 3-4 जेसीबी खरीदे। जेसीबी भी हो गई। और हमारे गांव में आप जाके घूम के देखिए, बहुत लोगों का अभी अधूरा शौचालय बचा हुआ है, जिन लोगों का पैसा आ गया है और निकाल के खा गए हैं। बिल्डिंग सुनने में आया कि बिल्डिंग भी कहीं बनवा रहे हैं? बहुत बड़ी नहीं, हवेली ठुकवा रहे हैं, 2-2, 3-3 जगह वो अपना हवेली ठुकवाए। जी जी। लेकिन आप लोग सुनवाई नहीं है? हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं। सही नहीं बना है ना? सही कहां से बनेगा? आप इसी में अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं? आवास नहीं मिला आपको? नहीं। बेचारे किस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, बुजुर्ग आदमी है। क्या शौचालय मिला है? आवास तो नहीं मिला है। शौचालय मिला है? शौचालय सही है, बना है? बना तो नहीं होगा, कैसा है? बना है, इसी जगह है, यह है जैसा वहाँ है उसी जगह है। तो सुना आपने कि ग्रामीण किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। इस गांव के हालात तो बद से बदतर हो चुके हैं। ये टूटी दीवारें, मिट्टी के मकान और घास फूस की छत सरकारी आवास योजनाओं के पात्र लोगों की हैं, जिनकी पूरी जिंदगी इस मकानों में बीत गई है। अगर यही आलम रहा तो आगे आने वाले वक्त में भी हम विकास की उम्मीद किसी भी सूरत हाल में नहीं कर पाएंगे। वहीं इस पड़ताल के बाद प्राइम टीवी सवाल उठाता है कि जिम्मेदार ग्राम प्रधान पर कार्यवाही कब होगी, कब तक इस गांव में विकास की किरण पहुंचेगी, आखिर कब तक लोगों को इस सरकारी योजना का लाभ मिल पाएगा। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।